हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रेमलता भूषण, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पालक और प्याज की पकौड़ी बनाएंगे। पकौड़ी भी कह सकते हैं आप, भजिया भी कह सकते हैं। तो आइए देख लेते हैं हम सामग्री। मैंने थोड़ी सी पालक को धो के अच्छी तरीके से बारीक बारीक मैंने काट लिया है, और चार बड़ी साइज़ की प्याज मैंने इसको इस तरीके से काटा है पतले पतले लेयर में। एक चम्मच मैंने जीरा लिया है, आधा चम्मच अजवाइन लिया है मैंने, आधे चम्मच मैंने हल्दी पाउडर लिया है, दो मैंने हरी मिर्च को काट लिया है, नमक स्वाद के अनुसार है। और बाउल में मैंने एक बाउल बेसन लिया है जो छान के अच्छे तरीके से रख लिया है, और उसका घोल बनाने के लिए मैंने एक गिलास पानी लिया है। तो सबसे पहले हम प्याज डालेंगे। प्याज को इस तरीके से मिक्स करके हाथ से उसको तोड़ लेंगे ऐसे। हम इसमें पालक डाल देंगे। प्याज और पालक मैंने मिक्स कर दिया है, और अब हम बेसन डालेंगे। पहले हम इतना बेसन मिक्स कर लेंगे, उसके बाद फिर डालेंगे। स्वाद के अनुसार हम नमक लेंगे, जितनी पकौड़ी बनाएंगे जितनी उस हिसाब से डालेंगे। तो मैंने एक चम्मच डाला है, और थोड़ा सा और डाला है मैंने। सारी सामग्री को हम डाल देंगे, उसको हाथ से अच्छे से मिक्स करेंगे। आप चाहें तो फ्रेंड्स इसमें लाल मिर्च भी डाल सकते हैं, मैंने नहीं डाला है। और तीखा नहीं बनाएंगे क्योंकि छोटे बच्चे भी खा सकते हैं, अगर तीखा खाना पसंद हो तो आप हरी मिर्च और लाल मिर्च ज़्यादा डाल सकते हैं। थोड़ा पानी डाल के हम इसको मिक्स करेंगे। बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है, बहुत गीला नहीं पेस्ट बनाना है। उसको इस तरीके से पहले मिक्स कर लेते हैं, ज़रूरत पड़ने पर हम बेसन डाल देंगे। जो हमने और बेसन लिया है इसको भी डाल देंगे। थोड़ा सा पानी और डालेंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। मिक्स कर लिया है, अब बिल्कुल गीला नहीं है। अब दो तीन मिनट मैंने इसको मिक्स किया है, अब हम बनाना शुरू करते हैं। मैंने कढ़ाई में तेल रख दिया है गैस पे, तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड, मैंने कढ़ाई चढ़ा दिया है गर्म होने के लिए, तेल डाल दिया है मैंने। मैंने सरसों का तेल लिया है, थोड़ा सा प्याज डाल के चेक कर लेंगे। तेल गरम हो गया है तो हम पकौड़ी डाल देंगे। हाथ से मैंने इस तरीके से लेना है छोटे छोटे पकौड़ियाँ। गैस का फ्लेम बिल्कुल कम रखें। इसको पलट देंगे, इसी तरीके से पलटते हुए हम गोल्डन ब्राउन पका लेंगे इसको। बिल्कुल गोल्डन ब्राउन कर लेंगे, दो से तीन मिनट में पकौड़ियाँ बन जाएंगी। देखिए 3 से 4 मिनट लग गए हैं इसको पकाने में। मैंने गैस का फ्लेम बिल्कुल कम करके पकाया है। बहुत अच्छी क्रिस्पी बना है पकौड़ी। इसको हम निकाल लेते हैं, बिल्कुल गोल्डन हो गया है ब्राउन। तेल निकाल के इस तरीके से साइड में करके इसको प्लेट निकालेंगे। देखिए हम इसी तरीके से हम सारी पकौड़ियाँ बना लेंगे। पहले देखिए फ्रेंड, सारी भजिया मैंने बना लिया है, मैंने पकौड़ी पूरी बना ली है। इसको निकाल के सर्व कर लेते हैं प्लेट में खाने के लिए। देखिए फ्रेंड, मैंने सर्व कर लिया है प्लेट में खाने के लिए, बिल्कुल तैयार है। गर्मा गर्म पकौड़ी खाइए, इसको टमाटर सॉस के साथ और हरी चटनी के साथ भी खा सकते हैं। और खाने बहुत ही टेस्टी, बहुत क्रंची क्रिस्पी है। तो अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। धन्यवाद।